हाय। तो आज मेन्यू में है बाजरे का रोटला एंड दूधी दाल नु शाक। दूधी यानी लौकी एंड दाल मींस जो चने की दाल होती है ना, उसका मैंने सब्जी बनाया है, तो उसको हम खाएंगे बाजरे के रोटले के साथ। मेरा ये ऑलमोस्ट डन है। और ये हो गया, ये मेरे लिए है और एक दूसरा मैं निमिष के लिए बनाऊंगी। ये सिक गया है और ये अभी रोस्ट हो जाएगा, फिर हम लोग हमारा लंच कर लेंगे। हेलो, तो हमारा खाना बन गया है और अभी हम आ गए हैं खाने के पास। ये है लौकी की सब्जी, बाजरा एंड ज्वार की रोटी, कुकुम्बर एंड पापड़ चूरी। तो मेरा कल वैक्सीन हुआ था, अगर आपने मेरा वीडियो देखा है तो पता चलेगा। तो आज मुझे अभी मेरा बॉडी एक हो रहा है, हेड एक हो रहा है और मेरा हाथ भी बहुत दर्द कर रहा है। और अभी मैं आरू के साथ सोई हूँ, नींद नहीं आ रहा है पर उसे आराम कर रही हूँ। निमिष बोल रहे थे दवाई लेने का, पर मैंने लिया नहीं, सोचा ठीक हो जाएगा, पर मुझे लगता है कि लेना पड़ेगा। लेट्स सी, ये इसका जगने का टाइम है। सोना है अभी उसे। मुझे लगता है मुझे दवाई लेनी पड़ेगी कि मेरा सर बहुत भारी है और नींद भी नहीं आ रही है। अभी 4:15 बजे और मैंने दवाई खा ली है, देखते हैं कब तक असर होती है। एज यूजुअल मीटिंग चल रहा है। आज मौसम अच्छा है वैसे, धूप भी है। ये है मेरे प्लांट्स, इसे धूप पसंद नहीं है। ये है बेजिल प्लांट और ये धूप में थोड़ा ऐसे मुरझाया हुआ ना ऐसे लगता है, इसे ठंड पसंद है। थोड़ा शेड डाल देती हूँ। हमारा ये सनसेट फेसिंग कर है तो शाम को बहुत ही धूप आती है यहाँ पे, इतनी धूप आती है कि घर पूरा गर्म हो जाए। ये शेड डाल दिया मैंने, अभी घर के अंदर इतना धूप नहीं आएगा। और प्लांट्स को भी अच्छा लगेगा। मैं सोने की ट्राई करती हूँ, फिर आरू उठ जाएगा ना, मेरे को आराम करने नहीं देगा। चलिए मिलती हूँ मैं बाद में। और मैं सोने की ट्राई कर रही थी पर देखिए ये शैतान मेरा जग गया है और अब ये मुझे सोने नहीं देगा। अभी भी स्लीपी है तो मुझे नहीं लगता है कि मैं आज सो पाऊंगी, क्योंकि मेरा बच्चे जग गया है ना आरू। अभी फिलहाल मुझे अच्छा फील हो रहा है, दवाई खाने के बाद मेरा जो हेडेक था वो तो उतर गया, पर अभी मुझे हाथ अभी भी दुख रहा है। जब आरू आरुष मेरे पे आके चढ़ जाता है, मतलब जब मैं बैठी हूँ ना तो मेरे कंधे पे आके ऐसे खड़ा रह जाता है, तो वो टाइम में दुखता है, पर बाकी अब ऐसे नहीं दुख रहा है। मेरा सर दर्द भी नहीं हो रहा है। सोच रही हूँ थोड़ा कॉफ़ी पी लूँ। नैमिष,
कॉफी पीना है? हाँ, नो कॉफी। नेमिश आजकल, नेमिश को है ना ग्रीन टी बहुत अच्छी लगती है। एक टाइम हुआ करता था जब मैं उसे ऑफर करती थी ग्रीन टी जो मैं पीती थी, वो कभी नहीं पीते थे। पर अभी एक एक टी है, एक ब्रांड की टी है, टियास्टा टी करके है, उसकी फेवरेट है और वो पूरे दिन वो ही पीते रहते हैं। पर वो बहाने एक फ़ायदा ये भी हुआ कि वो बहाने नेमिश पानी भी पीते, वरना नेमिश को पानी पीना भी याद नहीं आता, पता है। तो हम अपने लिए बना लेते हैं थोड़ी कॉफ़ी। लकीली मुझे बुखार नहीं आया, पर कई लोगों को बुखार भी आता है। मेरा सिर्फ हेडेक ही था जो अभी सही हो गया। मेरी नजरों में दिल का किया जो हसन असर ये हुआ, तुम अब तो ही डूब ही जाओ। मैं गलत लाइन गा रही हूँ, पर क्या है, सुर तो आ रहा है। मैं ये इंस्टेंट वाली कॉफी यूज कर रही हूँ तो माइक्रोवेव में हो जाएगी। लिटल बिट ऑफ शुगर और इसे मैं कर दूंगी माइक्रोवेव। एक मिनट तक घुमाना है, योर इंस्टेंट कॉफी विल बी रेडी। वो तो कम कॉफी डाली थी क्या मैंने? चलो यम द वे आई लाइक। So I'm gonna enjoy it while watching some Netflix. Look at his head. Are daddy aaye jo beta? Hi. बोल डुम डैडी पासे गो ए बूम। Rabbits and the name were Flopsy, Mopsy, Cottontail and Peter. They live with the mother in a sandbag underneath the root of very big tree. Now, my dear, said old Mr. Rabbit one morning, you may go into the field or down the lane, but don't go into the Mr. McGregor's garden. Your father had an accident there. He was put in a pie by Mr. McGregor. Now, run along and don't get inside the mischief. I'm so going out.
Then old Mr. Rabbit took a basket and her umbrella and went through the wood to the... तो हम लोग ने एक बुक पढ़ ली है आरू की पूरी, और आरू ने अपना दूध भी फिनिश कर दिया है ना आरू। अभी उसने इतना सा बचा दिया है, तो अभी वो उस बोतल से खेल रहा है, पिएगा नहीं। Yes. Can you say bye bye? Eh? How do you say bye bye? Bye bye. Bye bye. Can you say bye bye, Arush? Huh? Okay, dosto. I hope you all like my videos, and I'll see you in my next one. Bye.